नमस्कार, मैं हूं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज का खास प्रोग्राम। बाबा महादेव के मंदिरों में जो भीड़ रहती है उसके दर्शन कराने के लिए एक क्लिप पे आया हूं। पूरा इतिहास भी बताएंगे, सावन में क्यों कांवड़ यात्राओं का महत्व रहता है, कब कांवड़ यात्रा शुरू हुई और सावन के महीने में बाबा महादेव का आकाश क्यों माना जाता है। कैमरामैन से कहूँगा एक बार आपको अंदर दर्शन कराएं कि सोमवार को पहले एक बार आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु मौजूद हैं। ये सब नीचे से चढ़ाई करके बड़ी यहाँ की चढ़ाई है, 1500 फीट के करीब ये चढ़ाई है जिसको चढ़कर ये ऊपर आए हैं और दर्शन करने के लिए आए हैं। एक बार आपको मंदिर के दर्शन करा दूँ, उसके बाद में आपको तमाम जानकारियाँ देंगे। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ है जो मंदिर के दर्शन करने के लिए आई है। और एक बार मैं आपको मंदिर के अंदर के दर्शन भी कराऊंगा, बाबा के दर्शन भी कराऊंगा, क्योंकि आज सोमवार है और सावन का सोमवार और प्रदोष है, इसलिए भी आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण और ख़ास है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बाबा भोलेनाथ के भक्त हरिद्वार से पवित्र नदी गंगा जल से शिवजी के अभिषेक करने के लिए अपने स्थानीय शिव मंदिर तक कांवड़ को कंधे पर उठाकर लाते हैं। संपूर्ण यात्रा पैदल की जाती है। कांवड़ यात्रा करने वाले भक्त को कांवड़िया कहा जाता है। कांवड़ भगवान भोलेनाथ का सावन में मास में चतुर्दशी के दिन अभिषेक किया जाता है। अब हम एक बार यहाँ के पंडित जी से बात करेंगे कि कितना पुराना मंदिर है, इसकी जानकारी। महाराज जी, कितना पुराना ये मंदिर है और इसके बारे में हमको थोड़ी सी जानकारी दीजिए। ये मंदिर कम से कम 2000 वर्ष पुराना है। मंदिर में आज भी हमारे गीजगढ़ के ठाकुर साहब का वर्चस्व है और वो यहाँ की देखभाल करते हैं। हम मंदिर के पुजारी हैं, जो हज़ारों वर्षों से बाप दादा पहले के पुरानी पीढ़ी पूजा करती आई है, उसी हिसाब से हम भी यहाँ पूजा करते रहे। और यहाँ पे नीचे से बड़ी गहरी चढ़ाइयों पर चढ़ने के लिए करीब कितनी फीट की और कितनी ये चढ़ाई है? 1500 से 2000 फीट की ऊंचाई पर ये भोलेनाथ का मंदिर स्थापित है। यहाँ फिर भी सावन के महीने में सोमवार के दिन जो जिंदगी भर नहीं चढ़ा हो, जिसकी उम्र 100 के लगभग पहुंच गई हो, वो भी यहाँ चढ़ लेता है और अपने खुद के पैरों से चढ़ करके भोलेनाथ की पूजा के लिए आता है। इस मंदिर का कई चमत्कार सुना है, कई लोग यहाँ आते हैं जिनकी श्रद्धा नहीं होती, आप बता रहे हैं जैसे वो चढ़ जाते हैं। बाबा का ऐसा क्या चमत्कार है कि वो यहाँ पे मुसीबतें लेकर आते हैं लेकिन खुश होकर यहाँ से जाते हैं? बिल्कुल, यहाँ ऐसा ही है। यहाँ भोलेनाथ की जो पूजा करता है उसको जो मांगता है उसको वो मिलता है, यही मुख्य कारण है। ये किन के द्वारा स्थापना करवाया हुआ है और इस किले में कब से है, इनके शुरू में प्राण प्रतिष्ठा कब हुई, इसके बारे में थोड़ा सा अगर जानकारी हो तो? देखो, ये बहुत पुराना मंदिर है। ठाकुर यहाँ के जो ठाकुर जिनका राज रहता था वो इसके मैन मंदिर के जो जीर्णोद्धार किया उन्होंने बहुत वर्षों पहले किया है। जयपुर राजा मानसिंह से पहले का मंदिर है ये, उनके मानसिंह जी के घराने का टाइम का ही मंदिर है। आज यहाँ के ठाकुर साहब जिंदा हैं जो इसकी देखभाल करते हैं, बीच बीच में आते हैं और वो मंदिर के यहाँ से चोरी वगैरह भी हो गई मगर फिर भी वो इस भोलेनाथ की मूर्ति को निकालने के बाद में भी वो मूर्ति को यहाँ छोड़ के जाना पड़ा चोरी करने वालों ने। और यहाँ पहले चोरी भी हो चुकी है मंदिर? हाँ, चोरी भी हो चुकी है मगर वो चोरी करने वाले सारे दुखी हुए हैं, जिनको आज भी वो भटकते यहाँ आते हैं। ये मूर्ति जा नहीं पाई, कोशिश पूरी की है मगर मूर्ति नहीं जा पाई। और यहाँ जो आता है उसको कुछ न कुछ चमत्कार जरूर दिखता है, उसकी वजह से वो दोबारा भी आने को मजबूर हो जाता है। यही मेन मंदिर की सावन के सोमवार में और दिनों से ज़्यादा भीड़ रहती है। सावन के महीने में तो भीड़ रहती है, बाकी सोमवार जो सावन का जो सोमवार आता है उसमें तो हज़ारों की संख्या में यहाँ भक्तगण आते हैं और पूजा अर्चना करके अपनी जो मांगते हैं भगवान से वो अपनी पूरी इच्छा करते हैं। महादेव का बाबा का क्या नाम है एक बार? श्री दांतेश्वर धाम। हाँ, दांतेश्वर नाथ महाराज किला गीजगढ़, ये अपने यहाँ के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार दंतेश्वर महाराज के नाम से भी भोलेनाथ का नाम पुकारा गया है। वो दंतेश्वर महाराज दांतेश्वर नाथ के नाम से यहाँ गीजगढ़ के अंदर पुकारे जाते हैं और सब भक्त इसकी सेवा के लिए पूरे गांव में चारों तरफ से ग्राम पंचायतें जितनी भी हैं वो सब यहां दर्शन करने के लिए, भोलेनाथ की पूजा करने के लिए ज़रूर आते हैं। कांवड़ यात्री भी यहां जल चढ़ाने के लिए आते हैं? हां बिल्कुल, कल कांवड़ की चढ़ेंगी जिसमें 10-12-15 जने अपने हरिद्वार से कांवड़ लेकर के आ रहे हैं, वो यहां कांवड़ चढ़ेगी और हर बार कांवड़िया जो हरिद्वार से कांवड़ आकर के यहां चढ़ाते हैं।
ये भी यहाँ के विशेष महत्व का। देखिए आपको हमने यहाँ का पंडित जी से बात कराई जो यहाँ की पूजा अर्चना करते हैं, बाबा का भी बताया, यहाँ जो लोगों की स्थिति नहीं होती है, उनकी मतलब चलने की बस की तक नहीं होती, वो ऊपर आके बाबा के दर्शन करते हैं, जो भी मुरादें लाते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। और कांवड़ यात्री हरिद्वार से दूर दराज से जाकर कांवड़ लाते हैं, जो यहाँ पर जाके उन बाबा का अभिषेक करते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं, सदा खुशहाली और खुशहाल रहने की कामना करते हैं। इसी तरीके से हम आप किला देख रहे हैं, इसका इतिहास भी आपको बताएंगे, और बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, और आप देख सकते हैं बच्चे भी हैं जो काफ़ी नीचे से चढ़ने में भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, फिर भी यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। और क्या किले का इतिहास है, कितना पुराना मंदिर है, इनके बारे में सबसे पहले तो आपका नाम। जी मेरा नाम राधेश्याम सैनी है, गीजगढ़ का निवासी रहने वाला हूँ मैं, यहाँ का भक्तों किले का, और ये वर्षों पुराना मंदिर है, इसकी महिमा बहुत अजब निराली है। यहाँ जो भी श्रद्धा मांगी जाती है मनोकामना हर तमन्ने से पूरी होती है। यहाँ इसका नाम है दांतेश्वरनाथ किला मंदिर गीजगढ़, और यहाँ सोमवार मंगलवार को मेला जैसा माहौल रहता है, और काफ़ी लोग ऐसे घूमने बहुत आते हैं, मंगलवार शनिवार प्रतिदिन यहाँ मेला जैसा ही माहौल रहता है। ये किला कितना पुराना है और कब से बना हुआ है? ये करीब सौ वर्षों से ही होगा शायद। ये हमारे यहाँ के राजा मानसिंह थे, पहले उनका राज्य था यहाँ किले पे पूरा, यहाँ बड़े बड़े राजा तोप वगैरह सब चलती थी यहाँ से, यहाँ से मानपुर का दरवाज़ा तोड़ा हुआ था तोप से, तोप द्वारा किले से। अच्छा, यहाँ से मानपुर का दरवाज़ा तोड़ा था? जी मानपुर का दरवाज़ा तोड़ा हुआ था यहाँ से किले से। तो यहाँ तोप कौन सी जगह थी? तोप वो सामने पड़ी है सर, देखो वो पड़ी सामने। अच्छा, वो एक तोप अभी मौजूद है और एक तोप अभी चोरी हो गई थी, वो जो अभी इस टाइम मानपुर थाने में पड़ी हुई है। तो चोरी किन लोगों ने की थी और क्या पुलिस ने कार्रवाई करके उसको बरामद किया था या किस तरीके? बिल्कुल बरामद किया था जी, उसको बरामद किया ऐसे किया, एक सपोटरा का एक मानसी एक कोई भक्त था, उसने बोला कि मेरे को इसने पर्चा दिया बाबा ने, मैं इसमें रोड कटवाऊंगा, रोड कटवाने के बहाने उसने रोड कटवाया, लेबर लगवाई, और लेबर लगवाने के बाद रात को आया और 10-15 लोग आए नीचे, टाटा खड़ी करने के बाद करीब 4-5 बजे का टाइम था, उसने घिस के और तोप को नीचे उतारी, लोडिंग किया, और हमारे यहाँ एक सैनियों का एक ठेकेदार है, वो दिल्ली जाना चाहता था, ठेकेदारी का काम करता है, उसका नाम है किशोर, वो दिल्ली जाने के लिए जैसे ही कोई साधन देखा तो उसको टाटा खड़ी मिली, उसने जैसे ही टाटे में लपक कर देखा तो लिपटी हुई पड़ी थी, बोरियों को टार थी, उसने तुरंत फ़ोन किया पुलिस को, और तुरंत फ़ोन करने के बावजूद वो टाटा वहाँ से रवानगी हो गई, उनको ध्यान पड़ गया, और टाटा फिर वो सपोटरा गांव में जाके पकड़ा गए, उसके बाद भी पुलिस ने बरामद करके उसको सम्मानपुर थाने में डाल दिया। किसी ने तोप को छुड़वाने की कोशिश नहीं की कभी? प्रशासन ने पूरा जोर लगा के उसको छुड़वाया, यहाँ के हमारे जो ठाकुर साहब है उसने पूरा जोर जैसे मानपुर थाने में वो तोप है तो ठाकुर साहब ने कभी उनको छुड़वाने की कोशिश नहीं की तोप को कि किले की विरासत इसे नहीं? वो अभी ये तो अभी ठाकुर साहब जाने पता नहीं क्या करते हैं, वो यहाँ का किला भी बहुत खंडित हो रहा है, ये किसी पर भी ध्यान नहीं देते ठाकुर साहब, ये तो प्राचीन मंदिर है, यहाँ कोई शिवलिंग प्रदाया नहीं जा गया, अकस्मात शिवलिंग निकला हुआ है ये, हम अपने आप बाबा के चमत्कारी मूर्ति प्रकट हुई है। हम छोटे छोटे बचपन से यहाँ आ रहे हुए हैं, छोटे छोटे चड्डी में बनियान में यहाँ खेले कूदे हुए हैं, परंतु इसका कोई ध्यान नहीं है, यहाँ बहुत दुखी हैं, इससे बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि इसका थोड़ा काम वगैरह हुए अच्छी रौनक हुई बढ़िया तो अच्छा है सर। देखिए यहाँ के जो लोग हैं, ये किला बहुत अच्छा है और सौंदर्यकरण के लिए यहाँ पे कम से कम पूरा जो किले की दीवारें हैं, तमाम जो सीढ़ियाँ हैं क्षतिग्रस्त हो चुकी है, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, जिनमें छोटे बच्चे हैं। एक बार मैं आपको इसका रास्ता दिखा दूं, किस तरीके का कैमरामैन से कहूँगा, नीचे का एक बार रास्ता दिखाए, और हम इस समय कितनी ऊँचाई पर खड़े हुए हैं, एक बार आप वीडियो में देख सकते हैं कितनी ऊँचाई पर ये किला है, जिससे यहाँ के लोग ये बात से काफ़ी नाराज़ है कि ठाकुर साहब कभी किले के लिए देख रेख के लिए नहीं आते हैं और इसको दुरुस्त भी नहीं करवा पाए हैं अभी तक, जबकि बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं। इसके अलावा क्या कहना चाहते हैं आप एक किले को लेकर, ठाकुर साहब से या राजस्थान सरकार से कोई अपील करना चाहते हैं?
सही सलामत इस किले को बढ़िया बनवाओ, चमत्कारी और क्या बढ़िया दर्शन हो बच्चों के। हम सब बस्ती मानते हैं इसको, सब बस्ती मानते हैं हम इसको, और सब यही चाहते हैं कि इसको थोड़ा देखभाल अच्छी हो।